ए शिकवा रब्बा नाल तेरे जद यार हुंदे सी पैसा नहीं पैसा लाते यार नहीं। Excuse me, let's continue the work. तो अभी और क्या करना है? Just a second guys. हेलो, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर रचित? हाँ जी बोलिए, हु इज दिस? मैं ITPS स्कूल से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। आज स्कूल में एलुमिनाई है, आप आ रहे हैं ना? एलुमिनाई? बट मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। सर मैंने आपको मेल तो किया था, आपने चेक नहीं किया क्या? ओह आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मैं ना मेल चेक नहीं कर पाया। अच्छा कोई बात नहीं, आज आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके सर। ओके बाय। अबे तुम कल भी लेट, परसों भी लेट और आज भी लेट, क्या चक्कर तुम्हारा? सर सर वो मेरी चवन्नी खो गई थी सर। अच्छा तेरी चवन्नी खो गई थी? जी सर। और भाई तू लेट क्यों आया? सरोज की चवन्नी के ऊपर पैर रख के तो मैं ही खड़ा था। अबे जरा शाने मत पड़ो, वक्त उतार दूंगा। अच्छा बताओ लेट क्यों आए? सर वो सर मेरी मम्मी की ना तबीयत खराब हो गई थी सर। अच्छा तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है क्या? वो तुम्हारी बहन है ना? यस सर। चीनू बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। सालो कुत्तो हराम जादो, मेरे से मस्करी करते हो। एक काम करो वहां खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो। सर कल से टाइम से आएंगे सर, प्लीज सर माफ कर दो सर। तेरी ऐसी की तैसी बताऊं, चलो यहां से। सर सर कल से टाइम से आएंगे सर। सर कल से आ जाएंगे सर। सर प्लीज सर बताऊं क्या? चलो भला नहीं भूल। अरे रचित भाई एक बात बता यार, यार हम इतनी देर से धूप में खड़े हैं, हमारे फेस की तो बैंड बज गई, तेरे चेहरे को कुछ हुआ ही नहीं। हाँ भाई हमारे चेहरे पे तो तेरे डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं और इसका चेहरा बिल्कुल साफ है। ऐसा क्या यूज करता है भाई तू? भाई मैं यूज करता हूँ मुस्टैक की हर्बल स्किन लाइटनिंग किट, जो तुम्हारे फेस को पूरे तरीके से क्लीन करती है। ऐसा क्या इस किट में भाई? भाई इस किट में स्किन लाइटनिंग स्क्रब और हल्दी फोम फेस वॉश। भाई ये फेस वॉश तो सुना है, ये स्क्रब क्या होता है? भाई तू ये देख, ये मुस्टैक मैन स्क्रब है, इसमें हल्दी और एलोवेरा के बीड्स हैं, जो तेरी स्किन एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है। स्किन एक्सफोलिएशन? ये क्या होता है भाई? देख भाई जो हमारे फेस की सबसे ऊपर की स्किन होती है ना, वो डेड और डल हो जाती है। एक्सफोलिएशन इस लेयर को रिमूव करता है, तुझे इसको अच्छे से अपने फेस पे 5-7 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। ये तेरे स्कार्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। और भाई उसके बाद यूज करियो ये हल्दी एनरिच्ड फोम फेस वॉश, इसमें है हल्दी के रियल एक्सट्रैक्ट्स, जो तुम्हारे हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है और तुम्हारे फेस को डीपली क्लीन करता है। भाई ये तो बहुत बढ़िया है, तूने कहाँ से खरीदा हमें भी बता दे यार। भाई मैंने तो ऑनलाइन मंगवाया है, तू भी मंगवा ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और बाकी पिंड कमेंट के अंदर भी है। गाइज आप लोग भी ये स्क्रब किट एक बार जरूर ट्राई करो, तुम्हारा भाई पर्सनली यूज करता है और सच बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिव है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अबे भाई ये सब तो ठीक है, पर जब भी तेरे साथ स्कूल आते हैं ना हमेशा फंसते हैं, तू और तेरी बहन दोनों एक जैसे हो। और हाँ मैं भी कल से अकेले आऊंगा, जब भी तेरे साथ आते हमेशा फंसते हैं। हाँ भाई मैं भी नहीं आऊंगा इसके साथ, मैं भी नहीं आऊंगा इसके साथ, हर बार फंसवा देता है हमें अपने चक्कर में। सर वर्क कंटिन्यू करें? आई एम सो सॉरी गाइज, अभी ना मेरे को अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके सर। ओके सर चलो कल मिलते हैं। स्कूल की वो यादें लौटा दे, कोई जीना चाहो, स्कूल की वो यादें लौटा दे, कोई
जीना चाहो। हेलो यश भाई, तेरे पास भी स्कूल से फोन आया था क्या? हाँ भाई आया था। हाँ तू आ रहा है ना फिर? हाँ भाई, बस मैं घर से निकल ही रहा हूँ। और तेरे को याद है हम स्कूल में कितनी मस्ती किया करते थे? हाँ भाई याद है, एक एक मोमेंट्स याद है स्कूल की। रचित भाई यारे पानी की बोतल भर ला यार। अबे मैं क्यों भर के लाऊं? अबे भर ला ना। अबे हट ना। अबे भर ला यार। अबे चुप रह। सर मैं गो टू ड्रिंक वाटर। जाओ जल्दी आना। थैंक यू सर। सर मैं गो टू ड्रिंक वाटर। कहीं नहीं जाना, दिखाने को लड़की गई अभी बाहर, बैठ जाओ। सर प्लीज जाने दो ना, बहुत जोर की प्यास लगी है सर। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। भाई ये भी ले जा यार, भर ला इसको भी, भर ला ले जा। ओए क्या लगा रखा है? हाँ कहीं नहीं जाना, बैठ जा। सारे के सारे बदतमीज मेरी क्लास में भरे पड़े हैं। सर देखना मुझे मार रहा है। सर इसने मुझे फिर से मारा, समझा लो उसको। सर मैंने नहीं मारा, झूठ बोल रहा है सर ये। तू खड़ा हो, मेरी क्लास से बाहर चल। सर मैंने कुछ किया ही नहीं। जब खड़ा हो और बाहर निकल। अच्छा सुन, तू अंशी को भी साथ में लेके आ रहा है ना? हाँ भाई उसको साथ ही लेके आऊंगा। चल ठीक है फिर भाई, मिलते हैं स्कूल में। चल ठीक है भाई, मिलते हैं। यार तुम पागल वागल हो क्या? इतना भी क्या अर्जेंट था जो तुमने मुझे सीधा कॉल करके बुला लिया? अच्छा भला घर का काम कर रही थी, पता है आज कितना काम था घर पे, सब कुछ छोड़कर आई हूँ। यार इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? हमें स्कूल चलना है। अरे हो तो आई मैं बच्चों के स्कूल, अब क्या कर दिया उन्होंने, अब किसका सर फोड़ दिया? बच्चों के नहीं, हमें हमारे स्कूल चलना है। हमारे स्कूल? वो क्यों? आज ना स्कूल में एलुमनाई है और पूरा बैच एक साथ आ रहा है। भाइयों सुनो सुनो सुनो, अपना ये मैथ का पीरियड हो चुका है कैंसिल, ये पीरियड है फ्री, जिसको जो करना है करो। बच्चों सारे जी फाड़ के ओए, अपनी बुआ की बरात में आए हो क्या? क्या चल रहा है सब?
सर वो मैथ का पीरियड कैंसिल हो गया था तो ये वाला पीरियड खाली था। बात सुनो, तुम्हारा कोई मैथ का पीरियड कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मैथ का पीरियड मैं ले रहा हूँ। चुपचाप बैठ जाओ, बैठो सारे। और तुम दोनों ने स्कूल में क्या स्किल लगा रखी है? और हाँ, मेरे स्कूल में रोमांटिसिज्म नहीं चलेगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो सर। चुप, एकदम चुप। कल तुम दोनों अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेके आना, फिर तुम्हें बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना? सर सॉरी सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कोई सॉरी वोरी नहीं, दोनों अलग अलग बैठो और कल अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेके आना। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, पल पल दिल बेकरार रहे मुझे बस तेरा। यार रजत, हमारे स्कूल के दिन भी क्या दिन थे ना, ना हम कभी लड़ते थे ना हम कभी झगड़ते थे, कितनी खुशियाँ थी ना हमारी लाइफ में। सही कह रही हो यार तुम, मुझे तो स्कूल की बहुत याद आती है, बड़ा मिस करता हूँ मैं स्कूल को। वो दिन भी क्या दिन थे ना, कितनी मेमोरीज थी हमारी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, हमें पता है सर। क्या पता तुम्हें? हाँ अबे चुपचाप पढ़ लो, तुम्हें कुछ नहीं पता। सारे के सारे बदतमीज मेरी क्लास में भरे पड़े हैं। बचपन के खेलों की वो आरज़ू क्यों जवां होती है, कैसे हंसी थे वो पल, होना क्या है कल न थी ये फिकर। खिड़की से झांक के आज आंख नम क्यों हुआ करती है, उन लम्हों की तस्वीरों को देखते देखते अब याद मुझे वो पल आए, अब याद मुझे वो पल आए, अब याद मुझे। यार भाई बहुत तेज की भूख लगी है यार, कुछ खाने का नहीं है क्या? तू अपना टिफिन नहीं लाया? भाई भूल गया मैं। ये ले। क्या इसमें? चूरमा चूरमा, खा ले खा ले। अबे ध्यान से खोल, मास्टर देख लेगा। अबे ओ ये क्या कर रहा है तू, क्लास में बैठ के लंच कर रहा है? सर ये मेरा टिफिन नहीं है सर, सर ये इसका टिफिन है। अबे निकम्मे, तो मेरे को भी पता तेरा नहीं है, तू स्कूल में लंच बॉक्स लेके कब आता है? हाँ एक काम कर, लंच बॉक्स दे इधर आ। चल लगा देना मेरा नाम, अब खाइयो मेरा टिफिन, अब दूंगा तुझे चूरमा। चलो भाई लोकेश रिसेस होगी, अब देखता हूँ इनके लंच बॉक्स में क्या मिलेगा आज। रचित ये लो, मैं तुम्हारे लिए घर से बना के लाई हूँ, खा लेना। साले मेरा लंच तो फसवा दिया, खुद बड़े मजे से खा रहा है। यार तू दोस्त है मेरे लिए, तू खा ले भाई, थोड़ा टेस्ट करवा दिया बस। अलविदा यारा अलविदा, अबे ओए,
तू यहाँ कैसे आ गया? हरियाणा से बेटे हाथ जोड़ना भी जाना हर तोड़ना भी बिना बात यार किसी के भी हाथ ना लगाता हम देशियां का खून हो आग दे भी दत्ता जिसकी हवा में मुंह फूल रस तेरा तेरी चाड़ा में बारे एक मुक्का व तेरा पकड़ के नाड़ दर की मैं गाड़ दिया Slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I Kasa चलो तुम यहाँ से। लेकिन सर हमने करा क्या है? ये ऐसी की तैसी बताऊं तेरे को। चलो। आज से तेरी मेरी जिंदगी भर के लिए दुश्मनी। हट साले, कौन ही मारूंगा माथे में? हट। जाने को ना कोई रास्ता जानते हैं वैसे है निभानी कैसे यारियां ना छोड़े यारियां ना छोड़े यारियां ना छोड़े यारियां कमाल की जगह है ना ये स्कूल भी लोग तो बहुत मिले जिंदगी में पर कुछ तो बात है स्कूल के दोस्तों में जो आज भी उन्हें देखते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है लड़े भी बहुत झगड़े भी बहुत लेकिन नफरत इस दिल को ना छू सकी कमाल की जगह है ना ये स्कूल भी हर वक्त बस यही सोचते थे कि कब खत्म होगी ये जेल और जब इस जेल से रिहाई मिली तो आंखों में आंसू और दिल में यादों का पिटारा था सच में कमाल की जगह है ये स्कूल दर्द भी है देती चैन भी है देती जान भी है लेते यारियां तो गाइज कैसी लगी वीडियो पसंद आई ना तो लाइक करना और पूरी वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके भाई जरूर बता देना बहुत ज्यादा रिलेटेबल बहुत ज्यादा इमोशनल बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग थी ये वीडियो मतलब ये वीडियो ऐसी है ना कि हर बंदे के दिल को छू जाएगी चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो या स्कूल से पास आउट हो गया हो सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो भाई लाइक करना है और कमेंट करके पूरी वीडियो से फेवरेट पार्ट मुझे जरूर बताना है क्योंकि भाई ये वीडियो मेरे तो दिल के बड़ी करीब है बहुत करीब है भाई बहुत बाकी गाइस मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको भी डार्क स्पॉट्स या फिर डल स्किन की प्रॉब्लम है तो आप भी मेरी यूज कर सकते हो मुस्टैक की स्किन लाइटनिंग किट गाइस इसको यूज करने के बाद मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और आपको भी मिलेगा इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट के अंदर दे दिया है तो देरी किस बात की जल्दी से जाके लिंक को चेकआउट कर लो और दोस्तों इस बार मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कावड़ लेने बहुत पैदल चलना पड़ेगा लेकिन जाएंगे और कावड़ लेके आएंगे और शिवरात्रि पे जल चढ़ाएंगे तो भाई सपोर्ट करना है मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे ठीक है तो वीडियो को लाइक कर देना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करना ताकि जब मैं पैदल कावड़ लेके आ रहा हूँ और आपकी कमेंट्स पढ़ू तो मेरे को अच्छा लगे और मेरा मन खुश रहे और मैं मतलब खुशी खुशी कावड़ लेके आ सकूं तो चलो गाइज अब तो शिवरात्रि के बाद ही अगली वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो बाय बाय गाइज लव यू टेक केयर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बाय